महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे शरीर के अंदर रोग हो और जो उसकी दवाई है औषधि है वो पैकेट में हो, तो हमारे उस रोग का इलाज होगा क्या? दवाई है लेकिन वो पैकेट में है, और रोग कहाँ है? रोग हमारे अंदर है। और हम कंप्लेन करें, देखो जी हमने सब प्रकार की दवाई खरीद के ले आए लेकिन रोग नहीं जा रहा, अरे बाबा खाओ ना उसको। जहाँ रोग है वहाँ दवाई को पोषना है। भूख लगी है और प्लेट में खाना पड़ा है और खा नहीं रहे तो भूख नहीं जाएगी। इसी प्रकार से हमारे जीवन की समस्या कहाँ है? समस्या बाहर नहीं, समस्या अपने मन में। बुढ़ापे में दुखी होने वाले सभी लोगों में एक ही बड़ी परेशानी है, वो ये है कि 24 घंटे में 24 घंटे जीना पड़ता है। जिनके पास टाइम की कमी होती है वो कभी बोर नहीं होते, जिनके पास टाइम ज़्यादा होता है वो केवल स्वयं ही बोर नहीं होते, बोरियत फैलाते हैं। हम तो डूबे हैं सनम, पब्लिक को भी साथ लेके डूबे। देखो इसका कारण क्या है, वो वर्तमान में नहीं रहते। देखो इसीलिए जवान लोग ये बुढ़ाओ हम लोगों के जैसे क्यों स्वीकार नहीं करते? जहाँ हम गए जाने कहाँ गए वो दिन, अरे यार 2 दिन गए भाड़ में तुम भी जाओ। हमेशा पुरानी बातें पुरानी बातें। देखो तो जब हम अपनी पुरानी बातें करते हैं तो अनजाने में क्या हो जाता है मालूम है? जन्म किसका हुआ था? देह का। बचपन किसका था? देह का। जवानी किसकी थी? देह की। मिडिल एज किसका था? देह का। और जब हम अपनी पुरानी बातें कर रहे हैं तो अनजाने में क्या हो रहा है? देहात्म भाव की निवृत्ति नहीं हो रही है, देहात्म भाव की पुष्टि हो रही है। गए पुष्टि मार्ग में? पुष्टि मार्ग यही है, देहात्म भाव की पुष्टि कर रहे हैं। एक बार हमारे मुंबई में प्रेमपुरी आश्रम में, वहाँ हमारा प्रेमपुरी आश्रम जो है ना, जैसे आजकल सिनेमा के मल्टीप्लेक्स होते हैं ना, एक समय में 10 सिनेमा चलते हैं छोटे छोटे, वैसे प्रेमपुरी आश्रम मल्टीप्लेक्स स्पिरिचुअल सेंटर है। तो एक जगह में वेदांत चलता है, एक जगह में होम्योपैथी चलती है, एक जगह में आयुर्वेद चलता है, एक जगह योगा चलता है, एक जगह भक्ति संध्या चलती है, एक जगह पब्लिक की, इट्स ए पब्लिक प्लेस फॉर मीटिंग पीपल, जो बेकार है वहाँ आ जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। तो वहाँ जाने के बाद वही अपनी पुरानी बातें पुरानी बातें, हम जब वहाँ थे हम जब यहाँ थे। तो समस्या कहाँ है? समस्या अपने मन में है। हम अपने मन की स्मृतियों को रोज खाद पानी दे करके जिंदा रखते हैं। तो इस समस्या का मूल यदि मन में है तो इसकी जो दवाई है वो कहाँ जानी चाहिए? मन में ही जानी चाहिए। पंचदशी कार लिखते हैं, अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते तस्मात् जीवात्म परमात्मनो विचार एव कर्तव्यः। समस्या तो अपने मन में है, बाहर क्या करोगे ईंट पत्थरों के चक्कर में? अभी जब हम आ रहे थे तो बाहर का बहुत बड़ा गेट देखा, सब देखा, तो हमने कहा हमारे पदमनी से, हमने कहा यार यहाँ फिर ईंट पत्थर शुरू हो गई, कहाँ महाराज जी थे जो ईंट पत्थरों से दूर रहते थे और यहाँ फिर ईंट पत्थर इकट्ठे हो गए।
समस्या बाहर नहीं है, समस्या अपने मन में है। तो यदि अविचार के कारण समस्या का निर्माण होता है, अविचार का अर्थ क्या है, विचार का अभाव नहीं, विचारों का अभाव नहीं हो सकता, विचारों की अपूर्णता। उसी प्रकार से अज्ञान की जब बात करते हैं तो ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। नॉर्मली लोग अज्ञान माने इसको कुछ नहीं आता, ऐसी बात नहीं है, बेवकूफ को भी कुछ आता है। क्या आता है? बेवकूफी। देखो, अज्ञान का अभाव कभी नहीं होता, अज्ञान की अपूर्णता। देखो, कल्पना करो आप, दाहिना हाथ मैं हूँ, बाया हाथ मैं नहीं हूँ, ऐसा कभी होता है क्या? तो हमारा ज्ञान हमारे देह को लेकर के पूर्ण है। रोग है उसमें भी मैं हूँ, स्वास्थ्य है उसमें भी मैं हूँ, जो खाना खिलाता है उसमें भी मैं हूँ, जो धोता है उसमें भी मैं हूँ, जो बोलता है उसमें भी मैं हूँ, जो सुनता है उसमें भी मैं हूँ। तो हमारा ज्ञान अपने बारे में पूर्ण है। समझो, कई बार होता है ना, अपनी ही उंगली आँख में चली जाती है, तो ऐसा कहेंगे क्या, अरे यार अज्ञान हो गया इसको, हाथ को चली गई उंगली। तो समस्या अपूर्ण ज्ञान की है, और ये अपूर्ण ज्ञान को हटाना है। तो जहाँ अपूर्ण ज्ञान की समस्या है, वही ज्ञान में पूर्णत्व प्रकट होना चाहिए। अपूर्ण ज्ञान कौन सा है? जिस ज्ञान में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह त्रिपुटी रहती है, उस त्रिपुटी युक्त ज्ञान को अपूर्ण ज्ञान कहते हैं। और जिस ज्ञान में यह अनात्म भाव का अभाव हो गया है, अनात्म भाव रहित ज्ञान को शुद्ध चैतन्य कहते हैं। देखो संत, अब इस पर हमको चिंतन करना है, और ये चिंतन कहाँ होगा? मन में होगा। अब सवाल ये है, हम चिंतन करते हैं कि चिंता करते हैं? हमारे मन में विचार आते हैं कि विकार आते हैं? तो विकार और विचार दोनों ही वृत्त्यात्मक है, दोनों वृत्तियां हैं। जैसे एक हमारी जो ध्यान करने की प्रक्रिया है, हमारी अपनी है, यूनिक है। हमको जब हमको फ्रीडम होता है, हमको बहुत कम फ्रीडम मिलता है, जब मिलता है तब की बात है। नाम के लिए स्वामी है, कोई स्वतंत्र नहीं है। तो जब हम मम्मी में रहते अपने आप से अकेले, तो कभी भी पहुंच जाए घर, पहुंचने के बाद पहला काम हम कपड़ों को निकाल करके, इतने दिनों के चार छः, उनको पानी में भिगो कर रख देते डिटर्जेंट के साथ, रात भर दूसरे दिन खूब बढ़िया धोया नहाने के पहले। मुझे कपड़े धोने में बड़ा शौक है, आपके नहीं मेरे, स्वामी जी लो। देखो, विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए। तो उसको धुला करके सुखा दिया, सूखने के बाद जब लुंगी को निकालो तो उसमें कितनी सलवटें होती है। सलवटें युक्त तो लुंगी देखो तो गंदी दिखती है ना, अच्छी नहीं दिखती। उसको देखकर फिर हमको गड़बड़ होती है, यार मज़ा नहीं आया। फिर हम इस्त्री लेते हैं, अपने हम लोग यूपी में है ना, यूपी में स के पहले ई लगाने की प्रक्रिया है, स्टेशन स्टेशन, स्माइल स्माइल, स के पहले ई या अ लगाते, जरा अस्पष्ट बोलो ना, भगवान विष्णु का जो नाम है, अनेक हजार नाम है, उसमें एक स्पष्टाय नमः है, वहाँ कहते ओम अस्पष्टाय नमः। विष्णु भगवान गड़बड़ करते होंगे, यार मेरा ये नाम नहीं है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ
स्त्री के पहले ई लगाते हैं ना, स्त्री गर्म होती है ना। तो जब इस कपड़े पर हम स्त्री घुमाते हैं तो सवाल यह है वहां की सलवटें कहां गई। जैसे टेबल पर कुछ कचरा पड़ा हो तो हम तौलिया लेते हैं, पोंछ करके उसको फिर कहीं फेंक देते हैं। इसी प्रकार से जब स्त्री घुमाई तो सलवटें कहां गई, कपड़े की संभाल नहीं, सलवटें थी ही नहीं, वो दिखती थी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः श्लोकार्धेन प्रवक्षामि यदुक्तम जन ग्रंथ कोटि भी। सलवटी नाम की हुई वस्तु है क्या, वो प्रतीति मात्र है। और जब प्रतीति को हम सत्य मानते हैं तब संसार शुरू होता है। तो पहली बात क्या हो गई, ये जो उल्टी सीधी सलवटे है वो कैसे है, वो हमारे मन की चिंता के जैसे है। हमको ये विवेक नहीं है कब क्या करना है, कब किसको महत्व देना है। नहीं नहीं चलो हम मंदिर में जाते, नहीं यार छोड़ो क्या जाएंगे मंदिर में, भगवान तो सब जगह है, यार यहाँ बोर हो गए सब लोग चले गए, ऐसा करते चलो चाय पीते। ये जो है ये मन की सलवटे है, चिंता हो रही है। अच्छा महाराज, फिर कपड़े को पूरा बढ़िया कर दिया, फिर तय करके रखना भी है ना, ये तो फिर सलवटे आ जाएगी। और जब तय करके रखते हैं तो जैसे हमारे शर्ट को एक क्रीज है, ये क्रीज भी तो सलवटी है ना। तो बाकी सलवटे और क्रीज इसमें क्या फर्क है, बाकी सलवटे जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है और उसके कारण कपड़ों में अग्लीनेस आ रहा है। और ये एक जो सलवट है वो एक दिशा में जा रही है, ये चिंतन है। दोनों सलवटे है, चिंता संसार को जन्म देती है और चिंतन संसार से मुक्त करती है। देखो महाराज, यह जो विचार करने की प्रक्रिया है ये हमने महाराज जी से सीखी है। विचार कैसा करते हैं, हमको ये तो समझ में आता है, हर चीज सीखनी पड़ती है। ये बच्चे लोग जब छोटे होते हैं तब उनको रोटी बनाना सीखना पड़ता है, तो पहली बार जब रोटी बनाती है लड़की तो न्यूजीलैंड का नक्शा बनता है, मम्मी मम्मी ये ऐसी क्यों बन रही है, बेटा ऐसा करो ऐसा करो। फिर दूसरा बार ट्राई किया, फिर न्यूजीलैंड का निकल गया, फिर इंडोनेशिया का आ गया, टूट गई बनती नहीं। बड़ी मुश्किल से होते होते फिर वो पूरा ग्लोब आ जाता है। एक छोटी चीज रोटी बनाना वो सीखना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक कि चिंतन की बात है, हमको लगता है हमारे मन में विचार है इसीलिए विचारवान है। इन विचारों का विश्लेषण कभी किया ही नहीं हमने, क्या ये विचार विकार है या विचार है, क्या चिंता है या चिंतन है। चिंतनशील व्यक्ति कभी कंफ्यूज नहीं होता और चिंता युक्त व्यक्ति सबको कंफ्यूज करता है। देखो महाराज, इसीलिए विचार कैसा करना ये बात हमने महाराज से सीखी है। अब ये बात सीखो तो फिर अब महाराज जी कहाँ है, बाहर नहीं है, हमारे हृदय में। समस्या कहाँ है, हृदय में, वहां महाराज जी आके बैठे, समस्या गायब। देखो गुरु महाराज की हम खूब तारीफ करते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं क्या, हमारे महाराज बड़े ग्रेट थे, वो अपने हृदय में उतरना चाहिए। और उनका हृदय में उतरना माने
अपने विचारों की प्रक्रिया में परिवर्तन आना। पर ये विचारों की परिवर्तन की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हमको दृष्टिकोण समझ में आता है। देखो, शास्त्रों का अध्ययन किस लिए करते हैं? आप सभी बहुत सुने हो महाराज जी को। शास्त्रों का अध्ययन किस लिए करते हैं? महाराज जी के शब्दों में, केवल अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए। कौन सी परिवर्तन लाना है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, यह दृष्टि दी है उपनिषद ने हमको। महाराज जी का इस ग्रंथ पर जो विचार है उसमें लिखा है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, जगत में जो भी कुछ है वो परमात्मा से परिपूर्ण है, ये दृष्टि हो गई। उसके बाद क्या प्रभाव होगा? देखो, हमारे बंबई में एक जगह में बहुत बढ़िया ये था, ट्रैफिक जाम, और हम उसमें फंसे हुए थे। तो हम हमेशा सामने की सीट पे बैठते हैं और पब्लिक को देखते रहते हैं, टाइम पास हो जाता है। तो एक लड़का आया पीछे से मोटरसाइकिल पर, और सामने एक बड़ी सुंदर लड़की जा रही थी, पीछे से दिख रही थी बड़ी सुंदर। तो आकर के सामने गया उसके और उसको हाय कहना चाहता था, लेकिन पीछे से सुंदर दिखने वाली सामने से देखी तो 78 नॉट आउट, बुढ़ाऊ, गर्दन के ऊपर में हिल रही, क्या है बेटा? अब वो हाय कहेगा? हाय हाय, दृष्टि में परिवर्तन आ गया ना। पहले बड़ी सुंदर लड़की है, उसको टीस करूं, जैसे देखा ये तो मेरी दादी माँ की जैसी है, तो हाय हाय हो गया है ना। इसी प्रकार से ये जगत को जगत के रूप में देखे, माने नाम रूप को महत्व दे दो। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम् आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम् जगत रूपम् ततोद्वयम्। इस जगत को नाम रूप के महात्म्य से देखो तो भोग भोग भोग, हाय हाय हाय। और इसी जगत को यदि अस्ति भाति प्रिय इस दृष्टि से देखो तो आपके दृष्टि में परिवर्तन आ गया। ये परिवर्तन लाना, ये शास्त्रों का तात्पर्य है। इसीलिए ईशावास्य में पहले मंत्र में यही बताते हैं, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। देखो संत, कितने प्रकार की दृष्टियां हैं। एक दृष्टि है सापेक्षता की, हम एक दूसरे को सापेक्षता से देख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ और आप देख रहे हो, पता नहीं सुन रहे कि नहीं, क्या भरोसा है? आपको सुन रहे हैं। अच्छा, तो ये हो गया मैं और आप अलग अलग, तू तू मैं, एक ये दृष्टि। दूसरी दृष्टि ये है, तो ये दृष्टि को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे, आसान हो जाता है। एक लहर दूसरे लहर से जब व्यवहार करेगी तो उसमें द्वैत का निर्माण होगा, तू तू मैं, तू तू मैं। फिर क्या होगी? एक लहर दूसरे लहर को खींचना चाहेगी, मारेगी, दबाएगी, मैं आगे जाना चाहती हूँ, ये द्वैत का जगत निर्माण हो गया। दूसरी दृष्टि ये है, समुद्र के तरफ लहर देख रही है, तो जब लहर समुद्र की तरफ देखती है तो समुद्र के साथ कंपटीशन करेगी क्या? जलन होगा क्या? उसको नष्ट करने का प्रयत्न करेगी क्या? फिर क्या करेगी? अपने आप को समर्पण करेगी। यहाँ एक उपासक का जन्म हो गया, उपासक अपने आप को अपने उपास्य के सामने समर्पित कर देता है, दूसरी दृष्टि हो गई। इससे क्या होगा? दो बातें, मन में जो तू तू मैं या कंपटीशन का झगड़ा चल रहा था वो खत्म हो गया ना,
हम ऐसा थोड़ी कहते हैं भगवान कृष्ण से यार तुम्हारी तो मजा है हमको तो बता रहे हो, नहीं, समर्पण कर लिया। तो जितना समर्पण होगा प्रभु चरणों में उतना हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होने लगेंगे। भगवान के दर्शन के चक्कर में टाइम बर्बाद मत करना, कुछ नहीं होता दर्शन होने से, प्रभु अपने माध्यम से प्रकट होने। देखो तो ये दूसरी दृष्टि हो गई। अब तीसरी दृष्टि, समुद्र लहरों की तरफ देख रहा है, क्योंकि लहर तो समुद्र बन गई। समुद्र लहर बन सकता है, लहर समुद्र नहीं बन सकती, वो तो खत्म हो गई। अब कौन देख रहा है? अब समुद्र देख रहा है लहरों की तरफ। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। समुद्र के लिए सुनामी घटिया नहीं है और छोटी सी लहर अच्छी नहीं है, सबके प्रति समान। तीसरी दृष्टि हो गई। अब चौथी दृष्टि क्या है? एक बार हम पानी के पास गए और पानी को कहा, अरे यार समुद्र के रूप में तुम भयानक लगते हो यार, हाँ लहरों के साथ तो मैं खेल लेता हूँ। तो पानी क्या कहेगा? महात्मा जी माफ़ करना, ये समुद्र क्या चीज़ है और लहर क्या चीज़ है? पानी की दृष्टि से ना समुद्र है ना लहर है, पानी की दृष्टि से ना समुद्र कारण है ना लहर कार्य है, पानी की दृष्टि से कार्य कारण मिथ्या। यह जो स्टेप बाय स्टेप है ये है आध्यात्मिक वेदांतिक साधना। केवल दृष्टि में परिवर्तन आ गया, पहली सापेक्षता की, दूसरी समर्पण की, तीसरी परिपूर्णता की और चौथी कार्य कारण के परे। देखो संतो कितनी सहज बात है, जो तुम घटाकाश मठाकाश फटाकाश उसी में फटे रहते। जब तक के हमने इसको डाइजेस्ट नहीं किया तब तक के इसका प्रभाव अपने जीवन पर नहीं होता। जैसे दो आदमी हैं, एक है दक्षिणी और एक है बंगाली। दक्षिणी आदमी क्या खाएगा? इडली सांभार वड़ा। और बंगाली क्या खाएगा? रसगुल्ला सोनदेश। और दोनों ने खाया और ऐसा कुछ हो गया, दोनों ने उल्टी करी जो भी कारण हो, क्योंकि पचा नहीं। अच्छा उल्टी होने के बाद हम ऐसा कहेंगे क्या? यार ये तो इडली सांभार की उल्टी है, हाँ ये तो रसगुल्ले की उल्टी है, कहेंगे ऐसा कभी? इसी प्रकार से दुनियादारी के विषय या शास्त्र हो, यदि वो डाइजेस्ट नहीं हुए और वो यदि वॉमिट करके आ गए बाहर, तो उन शब्दों का प्रभाव नहीं होता, उस शब्दों के प्रति घृणा निर्माण होती है। डाइजेस्ट नहीं हुए ना, और जब डाइजेस्ट हो जाता है खाना तो इसको उल्टी कहते हैं ना, उल्टी माने सीधी नहीं, उल्टी। यदि हमारा शास्त्र का ज्ञान डाइजेस्ट हो गया तो वो उल्टी के रूप में बाहर नहीं आएगा, वो अनुभव के रूप में बाहर आएगा। देखो ध्यान से सुनना, एक बार हम किसी मैनेजमेंट का नाटक कर रहे थे, तो उसमें हमने कहा देखो हम लोग जरा अलग प्रकार का मैनेजमेंट करेंगे, ये नेकटाई धारी जो है आप आयाओ और अपने साथ सब फैमिली ले आना, बच्चे दादा दादी सास बहू सबको ले आओ। तो पहले हम लोगों का जो उनके साथ अंग्रेजी था वो झाड़ देते थे, शाम को सब इकट्ठे बैठे। और फिर कम से कम अहमदाबाद की बात, बड़ी गैदरिंग में भी एक 800-1000 के करीब लोग। और उसके बाद हम कहे अभी अब हम लोग कुछ खेलेंगे, क्योंकि सभी एज ग्रुप है, जैसे अभी इस एज ग्रुप में सभी एक ही प्रकार के दुखी, उसी प्रकार से वहाँ नहीं थे, वहाँ बच्चे थे, जवान थे, बूढ़े थे, परेशान थे, सुखी थे और मेरे जैसे टाइम पास करने वाले थे।
ऐसा जब हेट्रोजीनियस क्राउड होता है तो क्या बोले, नहीं खेलना सबके लिए सामान्य है, तो हमने चलो हम खेलेंगे तो सब खुश होंगे, खेलेंगे क्या खेलेंगे, हमने कहा देखो हम एक को बुलाएंगे और उसको हम जो कहेंगे वो बोलना है, तो सब तैयार। एक छोटा सा बच्चा था 5-6 साल का, मैंने हे तू आ जा इधर, वो आ गया, क्या करूँ, हमने कहा ये माइक ले लो और अपने बारे में 5 मिनट बोलो। अब उसको परेशानी है, 5 मिनट बोलो क्या बोलो, कुछ भी बोलो, मुझे चॉकलेट अच्छा लगता है। हमने कहा देखो कितना अच्छा बोल रहा है तू, बोलो। फिर बेचारा परेशान हो, क्या बोलूँ, मुझे नहाना नहीं अच्छा लगता सुबह सुबह, बस कितना बढ़िया बोल रहे तुम, शुरू रखो। फिर चुप हो गया। अब इसको मैं क्या बोलूँ अपने बारे में, बड़ी समस्या। फाइनली वो कह रहा था मुझे कुछ नहीं बोलना। हमने कहा यदि ऐसा कहोगे तो तुम चुप यहाँ खड़ा रहना 3 मिनट और। बोले नहीं खड़ा रहूँगा, मैंने नहीं जा सकते, बोले मैं यहाँ सुसु कर दूंगा, मैंने जा बाबा, तो वो चला गया। फिर एक बुढ़ाओ को बुलाया, आपने एक मूवी देखी है क्या, नहीं देखी तो जरूर देखना, 102 नॉट आउट। मैं अभी जब आ रहा था ना सिंगापुर से बम्बई, तो हवाई जहाज में ने ये मूवी देखी, बड़ी अच्छी मूवी है, सब देखो। हाँ बहुत अच्छी, उसमें जो बताया वो सीखो भी, हाथ में माला लेने से कुछ नहीं होता। तो उन्होंने उनको 78 नॉट आउट को बुलाया, हमने कहा बाबू जी अब आप बोलिए अपने बारे में 5 मिनट। जो शुरू हो गए, बंद होने का नाम ही नहीं। हमने कहा आपको 5 मिनट कहाँ था, नहीं अभी तो शुरू हुआ है, नहीं अभी नहीं, बस बंद करो, नहीं नहीं अब मुझे बोलना है, मुझे फिर पुलिस को बुलाना पड़ा, हटाओ इनको। देखो महाराज, बूढ़ा होने के कारण बहुत लंबा भूत है, जिसको भूत चढ़ जाता है वो आदमी अपने में नहीं रहता। क्या हुआ, इनमें भूत चढ़ गया है। देखो महाराज, ये भूतकाल के विचार हमको वर्तमान काल में नहीं रहने देते, और भविष्य की चिंता हमको वर्तमान में नहीं रहने देते, और हमको वर्तमान में रहना है या नहीं रहना है ये चॉइस है क्या, कहाँ चॉइस है, हमको वर्तमान में ही रहना पड़ता है। और दूसरी बात, हम जो भी करते हैं कब करते हैं, वर्तमान में ही करते हैं। अब तीसरी बात, हम जो भी करते हैं या नहीं करते, किस लिए करते हैं नहीं करते हैं, सुख के प्राप्ति के लिए कि दुख के प्राप्ति के लिए, सुख के प्राप्ति के लिए। अब सबको जोड़ लो, यदि हम ये सिद्धांत बना ले जीवन में, हमको जो भी करना है या नहीं करना है उसके माध्यम से, हमारे माध्यम से आनंद प्रकट हो गए, आनंद के प्राप्ति के लिए कुछ मत करो, आनंद को प्रकट करने के लिए करो जो भी कुछ करना है, तो क्या होगा। यदि हम आनंद के प्राप्ति के लिए करेंगे, जैसे आप लोग करते हो, बेटा बड़ा हो जाएगा तो फिर हम उसकी शादी करेंगे, फिर उसके लिए ऐसी लड़की ढूंढेंगे, ऐसी ढूंढेंगे और लड़के को एक्सपोर्ट कर देते हैं पढ़ाई करने के लिए, और वहाँ जाने के बाद वो वापस आएगा इधर में, और फिर आकर के हमारे पास रोते हैं, हामी जी हमने ये, हमारे देहरादून की बात है, हम किसी के घर रहते थे 24 घंटे उस अशोक की बात होती थी, हमारा अशोक ऐसा है, हमारा अशोक ऐसा है, आगे नहीं देखता पीछे नहीं देखता, अंतर्मुखी है, बड़ा शांत है। और एक दिन उसका फोन आया, तो उसके बाद 2 दिन ये पति पत्नी हमसे बोले भी नहीं, हमारे साथ खाना भी नहीं खाए, नौकर खाना देता था। हमने पूछा नौकर क्या हो गया इनको, उन्हें समझ में पता नहीं, वो बाहर नहीं आ रहे,
मुझे डर लगा कुछ मरा तो नहीं। ये तीसरे दिन वो आ गए, हमने कहा महात्मा जी सब ठीक ठाक तो है, एकदम गंगा यमुना सरस्वती शुरू रोना धोना। स्वामी जी अशोक का फोन आया था, हमने ठीक है वो जिंदा है, फोन आया तो जिंदा है ना, मरा नहीं। और फिर कहते उसका फोन आया था, हम वापस आ रहे हैं, गया था अकेला, हम कहते हम वापस आ रहे हैं। और ये भी कहता है हम इंडिया में आके फिर एक बार शादी कर लेंगे, भले शादी हो चुकी है, और फिर उनका रोना धोना शुरू। इसको इतना प्यार से बड़ा किया, इतना बड़ा बंगला है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतना सब कुछ है, उसके लिए रखा था, और वो कहता मैं इंग्लैंड में सेटल हो जाऊंगा। अब बताइए महाराज जी इसका क्या करें। हमने कहा तुम्हारे दुख का निवारण करने के लिए मैं हूँ, मुझे दान कर दो। अब ऐसे बेवकूफ लोगों को कौन सुधारता है? देखो महाराज ध्यान से सुनना, हम आपको पुस्तकों की बात नहीं बता रहे, ये बड़ी सरल बात है, कठिन नहीं है। हम लोग एक ही समय में बच्चे भी होते हैं और माँ बाप भी होते हैं। अपने माँ बाप को लेकर के हम बच्चे हैं, अपने बच्चों को लेकर के माँ बाप हैं। अब मुझे बताओ कभी हमको अपने माँ बाप का चॉइस करने का होता है क्या? मेरी माँ जो है ना मैरिलिन मंदरों की जैसी होनी चाहिए, नहीं। कहाँ चॉइस है? जब चॉइस नहीं है तो स्वीकार करते हैं। माने जितना आप अपने आप को कम से कम चॉइस दोगे उतने आप सुखी रहोगे ना। अब आगे चले जाओ, आपको जो बच्चे होते हैं क्या बच्चे आपको पूछ के आते हैं? जैसे हमको अपने माँ बाप सिलेक्शन करने का चॉइस नहीं होता, वैसे ही हमको अपने बच्चे सिलेक्शन करने का चॉइस नहीं होता। बच्चों को हम केवल देह देते हैं, देह में रहने वाला देही, ये माँ बाप निर्माण नहीं करते। देखो महाराज ये बात समझनी है, इसको समझो आप तो देखो आप चाहोगे तो भी दुखी नहीं हो सकते। कितनी सरल बात है। एक ही पति पत्नी, उनको चार बच्चे हुए। पहला बच्चा जो है बड़ा ज्ञानी शांत त्यागी, किसी से झगड़ा नहीं। दूसरा बच्चा बन गया पॉलिटिशियन। तीसरा बच्चा बन गया दुकानदारी करने वाला। और चौथा बन गया गवर्नमेंट सर्वेंट। माँ बाप वही, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। सभी गवर्नमेंट सर्वेंट शूद्र होते हैं। सेवा नहीं, रोते हैं। शूद्र की परिभाषा भगवान शंकराचार्य ने दी है, शूद्र माने जो छोटी छोटी चीजों को लेकर रोते रहता है उसको शूद्र कहते हैं। कभी देखा भी नहीं किसी कोई शूद्र ने खुशी से काम किया है, रोते रहेंगे। तो यदि माँ बाप एक है तो एक ही पेड़ को कभी चार फल लगे हैं क्या? एक आम है, दूसरी इमली है, तीसरा टमाटर, चौथी मिर्ची है। देखो महाराज तो ये चार प्रकार के बच्चे एक ही फैक्ट्री से कैसे आए? क्योंकि हमारे बच्चे कौन होंगे इसका स्वातंत्र निर्णय हम नहीं ले सकते। तो करना क्या है? जैसे माँ बाप को स्वीकार किया है उनको सुधारने का प्रयत्न नहीं करते हम, उसी प्रकार से बच्चे जैसे हैं एक उम्र तक उनके साथ रहो, बचपन से लेकर के 6-7 साल तक के खूब प्यार करो, लाड करो, हग करो, किस करो, सब करो।
फिर 7 से लेकर के 13 साल तक के उनको ज़रा अच्छे वैल्यू सिखाओ, 13 से लेकर के 19 तक के उनको कुछ एम्बिशन हो, कुछ सक्सेस हो, ऐसे अच्छे विचार दे दो। जिस दिन आपका जूता आपके घर से गायब हो गया क्योंकि तुम्हारा लड़का तुम्हारा जूता पहन के चला गया, तो समझ लेना उस दिन से वो आपका पुत्र नहीं है, आपका दोस्त है। जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो 3 पैदा होते हैं। एक तो बच्चा पैदा होता है, दूसरा माँ पैदा होती है, तीसरा बाप पैदा होता है, और भी काफ़ी पैदा होते हैं। दादा पैदा होता है, दादी पैदा होती है, नाना पैदा होता है, नानी पैदा होती है। एक का जन्म हुआ, कितने पैदा हो गए? आप ध्यान से सुनना, बच्चा जो है वो तो बढ़ता है, माँ बाप कभी नहीं बढ़ते। देखो एक बूढ़ा हो पंजाबन मुझे कंप्लेन कर रहे थे, उनके घर में था। मैंने कहा माँ कैसी हो, मैं क्या कैसी है, ये आपके बच्चे मानते नहीं एक भी बात मेरी, बड़े रिस्पॉन्सिबल है, क्या हो गया? बोला इनको, तो सब आ गया। पहला बच्चा रिटायर्ड ब्रिगेडियर, अब ये बुढ़ाओं की कंप्लेन ये थी कि बच्चे मेरी बात मानते थे। माने वो बच्चा तो छोटे से ब्रिगेडियर बन गया, ये माँ वैसी रही। अरे कब तो बड़े हो जाओ, ये नहीं होता। इसीलिए ये दादा दादी नाना नानी अपने घरों में अनावश्यक दखल लेते हैं। ज्यादा दखल मत लेना, दूर रहो। 24 घंटे वही पोता पोती खोता खोती इनफ। इस मनुष्य जन्म में आ गए, अब एकमात्र चीज बची है और वो है हम परमात्मा के अभिव्यक्ति के एक उपकरण बन जाए। ये माइक का अपना कोई प्रयोजन नहीं है, इसको तो निकाल के रख दो पड़ा रहेगा। इसी प्रकार से अपने जीवन का कोई प्रयोजन नहीं, फिर माइक इसलिए जिसको बोलना है वो हाथ में लेगा। तो माइक को करना क्या है, अपने आप को ठीक रखना है ताकि अगला हमारा उपयोग कर सके। इसी प्रकार से हम अपने आप को इतना फिट रखें ताकि प्रभु हमको पकड़ ले और अपना प्रयोजन हमारे माध्यम से पूरा करे। ये कब होगा, जब हमको अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, ये माइक के सामने डिस्कोर्स हो रहा हो या डिस्को चल रहा हो, माइक को कोई मतलब नहीं। देखो संतो, ये सब जो आप सुन रहे हो ये कहाँ हो रहा है, मन में हो रहा है। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं एक जगह में, जिस प्रकार से हम इस समय में देहात्म भाव से जी रहे हैं, उतने ही निष्ठा से जब हम ब्रह्मात्म भाव में जिएंगे तो जीवन की परिपूर्णता है। एक तेजो बिंदु उपनिषद है और रुभु गीता है, उसमें आता है अहम ब्रह्मास्मि यो मंत्र, अहम ब्रह्मास्मि जो मंत्र है सभी मंत्रों का शिरोधार्य है। देखो तो केवल अपने इस स्वरूप में हमको वापस आना है, इसके लिए शास्त्रों का अध्ययन है। अब अपने स्वरूप में वापस आने के लिए शास्त्रों का अध्ययन किस प्रकार से करना है, ये बात हमको महाराज जी ने सिखाई। देखो महाराज, जब तक के शब्द का अर्थ मैं के रूप में प्रकट नहीं होता, तब तक के शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम शब्दों में फंसे। जैसे उदाहरण के लिए ले लो,
एक सज्जन है, उनका नाम विश्वनाथ है। हमने उनके पत्नी को पूछा, आप विश्वनाथ को जानते हैं? हाँ, मेरा हस्बैंड है यार, क्या बोल, दूसरा कुछ बोलो। विश्वनाथ का अर्थ तिरस्कार। उसके पुत्र को पूछो, विश्वनाथ, अरे हिटलर यार मेरा बाप है। विश्वनाथ का अर्थ निकला। तीसरा, एक व्याकरण के पंडित को पूछो, विश्वनाथ षष्ठी तत्पुरुष समास, देखो उसको तोड़ ताड़ करके उसका समास कर दिया। अच्छा, हमारे वाराणसी के विश्वनाथ बाबा के भगत को पूछो, विश्वनाथ, विश्वनाथ बाबा को कौन नहीं जानता यार, और जिसका नाम विश्वनाथ है उसको पूछो, विश्वनाथ मैं हूं ना। देखो, जब आत्मा शब्द का अर्थ, ब्रह्म शब्द का अर्थ मैं के रूप में प्रकट होता है, तब हमारी श्रवण मनन निधिध्यासन और अनुभूति ये पूरी होगी। नहीं तो इसी में फंसे रहते हैं, देखो, और इसमें से निकलने के लिए चिंतन करना है, बाकी कुछ नहीं। अब ये चिंतन कैसा करते हैं, एक भगवद्गीता का अध्याय लेकर के हम ट्राई करेंगे समझने का। 15वां अध्याय हमको सबसे ज़्यादा प्यारा 15वां अध्याय, उसमें पहले भगवान जगत का वर्णन करते हैं, उसके बाद साधना का वर्णन करते हैं, फिर जीव का वर्णन करते हैं, फिर मय का वर्णन करते हैं, और फिर पुरुषोत्तम का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से वहाँ बताया है। तो पहली बात, जगत का वर्णन बड़ा सुंदर करते हैं, ऊर्ध्वमूल मदशाकम अश्वत्थम प्राहुरम व्ययम छंदामसी यस्य पर्णानि यस्तम्भेन सवेदवी, बता दिया। फिर उसका विस्तार, अधश्चोर्धम प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। हमारे सामने एक जगत का वटवृक्ष रूप जगत तैयार हो गया। यह जो मंत्र है ये कठोपनिषद में भी आता है, ऊर्ध्व मूलवाक शाखा एशो शस्ता पुरातना। ये जगत का वृक्ष हमारे सामने खड़ा हो गया, हम उसकी तरफ देख रहे हैं। कर्म करने से पाप होता है, पुण्य होता है, स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है, मनुष्य नहीं आई, ये आया हुआ आया, बला 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 बला, खूब विस्तार हो गया। फिर आगे जा करके भगवान उस बड़े गुब्बारे को एक पिन लगा देते, कहते हैं न रूपम अस्येह तथोपलभ्यते, अस्य रूपम अस्य जगतस्य जगतः, ये जगत का जो रूप है वो तो वैसा नहीं है जैसे बताया है। न रूपम अस्य इह, इह माने जब आप चिंतन करो, तब चिंता करोगे तो जगत को सत्य मानोगे, और चिंतन करोगे, देखो खोल दो में उनको, वो बंधन में आ गए। तो यदि हम चिंतन करेंगे, न रूपमस्य इह तथा उपलभ्यते, तो कैसा है यह जगत, नान्तो न चादित न च संप्रतिष्ठा, ना तो ये जगत कभी प्रारंभ हुआ है, निर्माण हुआ है, ना तो इसकी प्रतिष्ठा है, ना तो इसका अंत है। लेकिन ये इतना सॉलिड दिख रहा है, आपके तो जगत नहीं है। हाँ हाँ है, रो ना, खूब रो लो, तबला पेटी बना करके रो, न रूपमस्य ततोपलम, चिंतन तो करो थोड़ा बहुत। सवाल यही है कि चिंतन क्यों करें। हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस एक बात कहते थे, आदमी को जब एक्जिमा हो जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, जो भी आपको पता है, खुजली, 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 हाँ सबको होगी। और ये जो खुजली का आनंद है ना, बड़ा अच्छा होता है, कर कर मजा,
खुजली करते समय आदमी को कभी दुख नहीं होता, मजा आता है ना। इसी प्रकार से इस दुनिया में सुखी दुखी होने की खुजली हो गई है और कुछ नहीं है, उसी में मजा आ रहा है। वही तम्बाकू, वही चूना रगड़े जा रहे, खाए जा रहे, उसमें एडिक्शन में फंस गए, ये बात समझ में नहीं आती। चिंतन करो, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चाती न च संप्रतिष्ठा। इस जगत का उद्धार करने के लिए जितने निकले हैं, हमारे बम्बई के एक बड़े महात्मा हो गए निसर्गदत्त महाराज, उनका हम पर बड़ा प्रभाव है। वो कहते थे, उनका पान मिड़ी का दुकान था, मस्त महात्मा थे, तो उनके पास कोई चला जाता था और अपने जो होते ना समाज सेवक, दुनिया का भला करने वाले, कि महाराज जी आजकल सभी लोग बड़े ख़राब हो गए और क्या क्या दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो कहते थे ये सामान मेरे दुकान में नहीं मिलता, दूसरे दुकान में चले जाओ। देखो, आप स्मशान के पास लकड़ी की दुकान में जा कर के शादी का सामान मांग रहे हो, वहाँ तो मरने का सामान मिलेगा, शादी का नहीं। वेदांत में आ गए तो मरो। देखो, यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम, मरना है हमेशा के लिए। तो ये जो जगत जगत जो हम कहते हैं, कहाँ है जगत? हमारे पंचदशीकार कहते हैं दो प्रकार की सृष्टि है, एक ईश सृष्टि है, ईक्षणाद प्रवेशांतः सृष्टि ईशेन कल्पिता। भगवान ने जगत निर्माण किया, तदेवानुप्राविशत, फिर उसमें प्रवेश कर लिया, ममई वंशो जीवनों के जीवभूत सनातन प्रवेश कर लिया, यहाँ तक ईश्वर की सृष्टि है, माने देहात्म भाव तक ईश्वर की सृष्टि। इसके बाद जीव की सृष्टि शुरू हो जाती है। जीव की सृष्टि क्या है? मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं माँ, मैं बाप, मैं सास, मैं ससुर। विषयों से दुख नहीं, इंद्रियों से दुख नहीं, मन से दुख नहीं। दुख क्या है? जब हम ये रिश्ते नाते निर्माण करते तब से दुख शुरू हो जाता है। देखो, रिश्ते नाते कैसे निर्माण होते हैं? केवल आसक्ति के कारण, ममता के कारण। इसीलिए ये जगत को यदि हमको नष्ट करना है तो भगवान के ही शब्द है, असंग शस्त्रेण दृढ़े न चित्वा। ये कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? वहाँ तो खाने के लिए बैठे पाठ हो रहा उर्दू मोनू, अरे जल्दी जल्दी पदशाकम अश्वत्थम प्राहुर, वो नहीं दे। देखो महाराज जी कितना मैकेनिकली होता है। असंग शस्त्र ने दृढ़े न चित्वा, और असंगता कैसी चाहिए? दृढ़ता से। ऐसे नहीं जब बच्चों ने कह दिया कि मम्मी तुम यहाँ से जाने का क्या लोगी, तब जा कर के मम्मी देखो 9 महीने पेट में पाला था। अरे पेट में पालती? पेट में पाला था। ध्यान से सुनो संतो, किसको कौन चाहिए? बच्चों को माँ बाप नहीं चाहिए, ये तो माँ बाप को बच्चे चाहिए, तो फिर दुख भोगो ना, फिर रोते क्यों हो? देखो संतो, ये समझदारी का चक्कर है और कुछ नहीं है, अपने समझदारी को ठीक करना है। तो असंग शास्त्र ने दृढ़े न, दृढ़ता से हो सकता है। उपनिषद कहती है नायम आत्मा बल ही नहीं न लभ्य, जो छुई मुई होते हैं उनके लिए अध्यात्म नहीं है। 24 घंटे रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, खोते की रहती, उसे कुछ नहीं होगा। असंग शास्त्री ने दृढ़े ने चित्वा। अब एक और बात आपको बताते हैं, बिल्कुल इतनी सरल और सिंपल है कि आप सब साधना करना छोड़ दोगे। अच्छा है, फिर जल्दी बताओ। देखो, एक ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य, उसमें एक विचार बड़ा सुंदर आता है। उसमें कहते हैं मुझे भगवान के दर्शन चाहिए, ऐसा विचार भी संसार निर्माण करता है।
आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरदर्शव उदारा सर्व एवते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम। देखो कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान भी नहीं चाहिए। लहर पानी मांगेगी क्या? समुद्र पानी मांग सकता है? तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन्द्र का अर्थ क्या है? बहुत सिंपल बात है। पहली बात, आसक्ति जा सकती, टिकती नहीं। पहले जिस बच्चे को लेकर के इतना खुदकते थे, बड़ा होकर के शादी विधि हो गई, अब वो शादी होने के बाद नेचुरली अपने पत्नी से प्रति ज़्यादा आकर्षित होगा, या बुढ़ाऊ माँ की तरफ थोड़ी जाएगा। उसके बाद बेचारे के पास 1 किलो प्यार है, पहले 1 किलो का 1 किलो माँ को देता था, अब शादी हो गई, अब 90% पत्नी को जाता है और 10% पर माँ को जाता है, उसको गुस्सा आता है। देखो शादी के पहले हमेशा मुझे पूछता था, अरे तुम बूढ़ी हो गई हो, समझो। देखो तो क्या है ये असंगता? असंगता है, असंगता ये भ्रांति है। अटैचमेंट इज एन इल्यूजन। असंगता कहीं नहीं है, अटैचमेंट कहीं भी नहीं है, आसक्ति कहीं नहीं है। जो कहते हैं हम आसक्त हैं वो झूठ है। देखो कैसे, एक एक चीज को समझना है, करना कुछ नहीं है, सब मामला ना समझी का है, गलत समझी का है। हम आप सबको देख रहे हैं, सभी रंग देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं? दृष्टि से। क्या हमारी दृष्टि किसी रंग रूप के प्रति आकर्षित है क्या? लाल रंग को भी प्रकाशित करें, सफ़ेद को भी प्रकाशित करें, हरे को भी प्रकाशित करें, भारत माता का झंडा तैयार। देखो भगवान की दृष्टि है। तो क्या हमारी दृष्टि लाल रंग को देख करके इसके द्वारा प्रभावित हो गई? नहीं। सफेद को प्रकाशित करके प्रभावित हुई? नहीं। माने आसक्ति कहाँ है? मन, उसमें अच्छे भी विचार आते हैं, बुरे भी विचार आते हैं। जितने आसानी से अच्छे विचार आते हैं, उतने ही आसानी से बुरे विचार भी आते हैं। और दोनों विचारों के प्रति मन आसक्त नहीं है, आसक्ति नहीं है। जो कहते हैं आसक्त वो झूठ है। और जाओ आगे, हम अपने देह के प्रति आसक्त नहीं है। बचपन का देह छोड़ा ना हमने, जवानी का देह उसको भी छोड़ा, मिडिल एज का उसको भी छोड़ा, अब बुढ़ाओ उसको भी छोड़ना है। आप चाहो न चाहो, पहले 3 देह समझदारी से छोड़े, चौथे को पकड़ के बैठे, कहां आ सकता है? और आगे चले जाओ, जब हम सोते हैं तो क्या करते हैं? जितनी हमारी सक्सेस है लाइफ में, जितनी समस्या है, जितने दोस्त है, जितने दुश्मन है, जितने रिश्तेदार है, जितने हमारी संपत्ति है, सब का सब धीरे धीरे छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। और आखिर में आकर के एक जब जलता है, मुझे नींद चाहिए, मुझे नींद चाहिए। फिर ये मैं जिसको नींद चाहिए और ये चाह, ये दोनों जब छोड़ देते हैं, तब जा कर के हम खर्राटे मारना शुरू करते हैं। माने रोज करते हैं ना, तो कहाँ हम आ सकते हैं देह के साथ? हम आसक्त है, इस भ्रांति को मिटाना है। इस भ्रांति को मिटाने के लिए एक्सपेरिमेंट करो। हम हमारे जीवन में हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। जैसे कई दिनों तक हमने चावल और ये गेहूं खाना छोड़ दिया, 2-3 साल तक बॉइल्ड पोटैटो और सब्जी घास खाते थे, गाय बकरी के जैसा। और हमने देखा इसके सिवा जिंदा रह सकते, हाँ रह सकते, उसके बाद फिर खाना शुरू कर दिया। फिर हम दूध बिल्कुल नहीं पीते थे,
कोई दूध की कोई चीज़ नहीं खाते थे कई सालों तक, कम से कम 50 साल तक हमने दूध नहीं छुआ। फिर शुरू कर दिया, आप देखते हैं अब कुछ नहीं हुआ। केवल सीखना है कि हम किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति आसक्त नहीं है, बाकी कुछ नहीं करना है। आसक्ति होती है बेवकूफ़ी से, मनुष्य दुखी होता है बेवकूफ़ हो करके। अज्ञानी पुरुष दुखी नहीं होता, पागल भी दुखी नहीं होता, बेवकूफ़ दुखी होता है। एक सज्जन अपने कोई रिश्तेदार को मिलने के लिए पागलखाने में गए और उस पागलखाने में मिले रिश्तेदार को, शाम हो गई, बाहर निकले। पागलखाना शहर से बाहर था, अंधकार चारों तरफ। सोचा उनके दिमाग में आया, गाड़ी देख लूँ, ठीक ठाक तो है, पागलखाने में आए कोई किसने कर ना दिया हो। देखा सामने के एक चक्के के चारों बोल्ट निकाल लिए किसी ने, चक्का है बोल्ट नहीं है। अब देखा, अरे राम, अब कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, और अपने आप से बोलने लगे, देखो यहाँ पता नहीं यहाँ कौन आकर के करते हैं, बदमाश है यहाँ के लोग, खराब है। शुरू हो गया, वहाँ एक पागल पैरवी कर रहा था, खाने के बाद शतपावनी कर रहा था, खाने के बाद चलते वो पागल होते, वो चल रहा था। हम नहीं चलते, खाने के बाद सो जाओ बढ़िया। तो उसने कहा, बाबू जी क्या हो गया? बोल, देखो ना यार, किसी ने यहाँ के चारों बुलेट निकाल दिए, अब कैसे जाऊँगा मैं घर, यहाँ तो कोई है ही नहीं दूसरा। बोले, चिल्ला देखी हो बाबू जी, बाकी तीन तो ठीक है ना, हाँ तीन में से एक एक निकाल लो, वहाँ लगा लो, पहुँच ही जाओगे। अरे यार, तू तो जीनियस है, कौन है तू? बोले, मैं पागल हूँ, देखो मेरा आईडी, आधार कार्ड है, मैं तो पागल हूँ। तुम कैसे पागल हो, इतना अच्छा बताया। बोले, नहीं पागल तो मैं हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। बेवकूफ आदमी दुखी होते हैं, और जो दुखी होते हैं वो जस्टिफाई करते हैं। एक बार एक अम्मा आकर के मुझे मेरी कॉलर पकड़ना चाहती थी, स्वामी जी आप हमको चिढ़ाते हो, मौज में रहो मौज में रहो, शादी करके दिखाओ मौज में रहो। अरे अरे, तुम शादी करके किसी उपकार कर रहे क्या? दो चीजें है, डोंट जस्टिफाई योर सेल्फ बींग मिजरेबल, अपने दुख का समर्थन मत करो, कभी मत करना, तब जाके पता चलेगा जिसके लिए हम रो रहे थे वो व्यर्थ था। और ये कारण क्या है? ये भ्रांति आसक्ति की, मैं इसके सिवा नहीं जी सकता। देखो कहीं भी देखो आप, बुढ़ापे में दो में से एक की विकेट पहले पड़ती है। तो एक जब मर, समझो आदमी मर गया, तो ये अम्मा जो होती है उसके डायलॉग सुनो आप, इनके सिवा तो मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती, भगवानों को क्यों बुला रही हम। फिर बाकी के जो है जिंदा बच्चे, चलो ये भी जाए तो अच्छी है। वो आदमी को दफना दिया और फिर वेट कर रहे हैं, एक दिन दो दिन, एक साल दो साल पाँच साल, मामा उस समय आप कर रही थी कि आप जिंदा नहीं रह सकती, अभी भी जिंदा हो, जाती नहीं क्या? उसके बाद 25 साल तक चल रही है बैटिंग। देखो महाराज, ये सब गलत है, कोई किसी से आसक्त नहीं है, केवल इसको समझो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, और दृढ़ता से किसी पेड़ को काटना हो और आपने यदि हाथ में मोर पंख ले लिया और धीरे से मारा तो पेड़ कटेगा क्या? देखो महाराज, अध्यात्म का दाता तो ये नहीं जो भी रोते रहना गए गए गए। मुझे भगवान ने बताया है कि मुझे रोने वाले बिल्कुल पसंद नहीं, 24 घंटे रोते रहते, विशेषकर ये शादीशुदा लोग। एक बार एक ने मुझे कहा, स्वामी जी आप बुरा मत मानना, मैंने मैं बुरा नहीं मानता, आप भी बुरा मत मानो, मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ। नहीं देखो, सभी महात्मा लोग स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, आश्रम बना, आप क्यों नहीं बनाते हैं? हमने मुझे नहीं बनाना, मैंने बिना आश्रम के आप रहे क्या? मैंने नहीं, फिर आप क्यों नहीं बनाते? हमने कहा, हमने ये कहा क्या कि लोग ना बनाए, लोगों को बना दे दो, मेरे लिए मैं नहीं बनाऊंगा। मैं क्यों बनाऊ? नहीं, कम से कम स्कूल खोलो, हम आपके साथ हैं। हमने ये तो मैं कभी नहीं करूंगा, बच्चे पैदा आप करो, स्कूल में ही चलाओ, मैं बेवकूफ।
बोलते हैं, जीवन का तात्पर्य, इस जगत को सत्य मानेंगे ना तभी ये सब होने लग जाता है। देखो केवल कहना मात्र ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और फिर जगत में फंसे रहना, ये अध्यात्म नहीं है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, अब कैसी असंग शस्त्र को ले आए, कहाँ से ले आए, अब उस असंग शस्त्र का वर्णन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संयही गच्छन्ति अमूढ़ाहा। ये पांच बातें करोगे तो अमूढ़ाहा गच्छन्ति, तब आप समझदार बनोगे। तब जाकर के तद अव्ययम पदम, तब आपको अपने स्वरूप का दर्शन होगा। क्योंकि नाम स्वरूपानंद होने से किसी को स्वरूप का दर्शन नहीं होता। नाम गगनानंद है लेकिन छोटे दायरे में कूप मंडूक में फंसे हुए। नाम लक्ष्मी है और पैसा एक नहीं। नाम सरस्वती है, अंगूठा बहादुर। देखो महाराज, इसीलिए यह जो असंग शस्त्र है ये कैसा है क्या है, तो पहली बात बताते हैं। देखो ये दो बातें समझ लो ना तो हमने वेदांत का सूक्ष्म भाव समझ लिया है। पहली बात है आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य एक देहात्म भाव की निवृत्ति। यदि देहात्म भाव की निवृत्ति नहीं हुई, आज तक आपने जितना किया है उल्टे घड़े पर पानी। एकदम अस्पष्ट अस्पष्ट समझ लो, यूपी में हूँ उल्टा प्रदेश। देखो देहात्म भाव की निवृत्ति, दूसरी जीवात्म भाव की भ्रांति से मुक्त होना है। दो बातें, तीसरी बात नहीं। उपदेश ज्ञान का नहीं होता, उपदेश अज्ञान के बारे में होता है। देखो तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। ध्यान से सुनना, इनको संस्कृत मालूम है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, बीच में एक अवग्रह आता है, वहाँ अज्ञान होते हैं। शिव सूत्र में एक सूत्र है, चैतन्यम आत्मा, चैतन्य आत्मा है, फिर ज्ञानम बंधः। बंधन कहाँ से आया? ज्ञान से बंधन होता है। जब मैंने ये सूत्र पढ़ा तो पूरा हिल गया था। और योनि वर्ग कला शरीर, ये तीन चीज़ों के कारण हम बंधन में हैं। इन तीनों चीज़ों को समझना है, ये दो पकड़ लो, देहात्म भाव की निवृत्ति और जीवात्म भाव की निवृत्ति, यही साधना है। तो देहात्म भाव की निवृत्ति के लिए क्या करते हैं भगवान? कहते हैं निर्माण मोहा, मान होता है नाप तौल को। जब हम अपना फार्म भरते हैं ना तो फार्म में पहले लिखते हैं DOB डेट ऑफ बर्थ, माने इसके पहले हम नहीं थे, काल का नाप हो गया। उसके बाद अपनी लंबाई चौड़ाई बताते हैं, 4 फुट लंबा 6 फीट चौड़ा, ये मेरी साइज है। उसके बाद वजन बताते हैं, 2 टन ये वस्तु हो गई। देश काल वस्तु से परिच्छिन्न हमने अपने आप को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि अपने को देह माना है। निर्माण मोह, अब इस पर चिंतन करें, किस रकम से, ये मारवाड़ी वर्ड है, किस रकम से हम देह हो सकते हैं? देह हमने निर्माण नहीं किया, देह हमारी बात मानता नहीं, फिर भी मैं देह हूं। ज्ञानी बैठे हैं ना, कैसे देह हो सकते हैं? तो साधना क्या करनी है, ये खेलना शुरू कर दो। देखो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो रोग का नाम नहीं बताते, हम बताते लक्षण, हमको यही हो गया। अब ध्यान से सुनो, यदि कल्पना करो
आप देहात्म भाव से मुक्त हो गए तो उसके क्या लक्षण हो गए? तो पहली बात, ये स्थूल जगत को सत्य मानना बंद हो जाएगा। देहात्म भाव निर्माण होने के बाद ही संग्रह वृत्ति बढ़ती है, वस्तुओं को इकट्ठा करना, जगत को सत्य मानना। देहात्म भाव को सत्य मानने के बाद ही पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर ये सारे के सारे पैदा होते हैं। तो यदि हमको ये साधना करनी है, निर्माण मोहा, यदि हमको देहात्म भाव से निवृत्त होना है तो साधना क्या होगी? पहली बात होगी, यह जगत में संग्रह वृत्ति से हम अपने आप को मुक्त कर लेंगे। कितना सामान इकट्ठा करके रखा है घर में, खाली करो, बहुत हो गया, इसका कोई अंत नहीं। देखो, निर्माण मोहा, फिर विनिवृत्त कामा, जहां देहात्म भाव है वहां अपूर्णता का भान है। अपूर्णता को मिटाने के प्रयत्न को कहते हैं इच्छा। पेट में खाली है, जैसे आप सबका हो गया खाली, समाजी बंद ही नहीं कर रहे, सबको नाश्ते की पड़ी है। पहले चूहे दौड़ रहे थे, फिर बिल्लियां दौड़ने लग गई, अब कुत्ते दौड़ेंगे। समाजी बस हो गया, अभी आज के लिए इतना काफी। तो कामना तब होती है जब हमने अपने आप को अपूर्ण स्वीकार किया है। गहरी नींद में कामना नहीं होती क्योंकि वहाँ देहात्म भाव नहीं है। कामना नहीं है तो मस्ती है, मस्ती है तो खुशी है, खुशी है तो आवाज है, आवाज है तो खर्राटे है। कितनी सरल बात है। जिते संग दोषा, गलत कंपनी में नहीं जाएंगे फिर हम। कौन सी गलत कंपनी है? अनात्म भाव की, जो हमको ईशा से बताया ना, तेना त्यक्तेना मुंजी था। जहाँ आपके दृष्टि में परिवर्तन आएगा, आपको जगत का त्याग करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। जब मालूम है कि इस खाने में जहर है तो इसको मत खाओ, बताना पड़ेगा क्या? अपने आप निकल जाएगा। तेना त्यक्तेना मुंजी था। यदि जगत को परमात्मा रूप से स्वीकार किया है तो भोग वृत्ति समाप्त हो जाएगी और सेवा वृत्ति जागृत हो जाएगी। भगवान का भोग नहीं करते, भगवान की सेवा करते। मां हृदय कस्यचित् धनम, फिर हम जगत में संग्रह वृत्ति जो है इकट्ठा करो इकट्ठा, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए जिस संग दोषा, गलत कंपनी में जाएंगे, ऐसे रहते आपको भी ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। आजकल फोन का हो रहा है ना, इसके पास गए, देखा कौन सा फ़ोन है यार, ये कौन सा है आपका? आईफोन नहीं है? नहीं, मेरे पास नहीं आईफोन, मेरे पास सैमसंग है। बोले सभी लोग तो आईफोन लगते हैं। हमने कहा वो बहुत इगोइस्ट है, आईफोन। फिर आप, मैं तो शाम का भक्त हूँ ना, इसीलिए शाम संग। जो आईफोन वाले आए 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 मेरा भाई पता है। तो किसी का फोन देखा, अच्छा अच्छा कितने मेरा कहाँ मिलता है, कहते हो गई इच्छा। अरे तुम्हारे पास जो फोन है उसमें से 1% भी उसका उपयोग नहीं करते, लेकिन चाहिए लेटेस्ट मॉडल। कितना इकट्ठा करेंगे समाज दुनिया को। तो फिर अध्यात्म नित्या तीसरी साधना है, सत्संग के साथ साथ यदि इतना ही हम करें, रोज एक चीज हमको सीखनी है, एक चीज। और सीखने के बाद यदि वो जीवन में उतरी नहीं तो आप मेरे जैसे प्रवचन देने लगोगे। जो सीखता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो सीखता नहीं। It is better that I let the people think that you are dumb because you don't talk than to give confirmation after opening the mouth. देखो महाराज, चुप रहो और लोगों को समझने दो ये बेवकूफ है, लेकिन मुंह खोल करके उनको सर्टिफिकेट मत दिलो रियली यार ये बेवकूफी है।
यानी मुंह बंद रखो। तो अपने मन का अध्यात्म नित्य का तात्पर्य शास्त्रों का अध्ययन और अपने मन के स्थिति को हमेशा देखना है, मन की क्या स्थिति है। कोई भी कर्म करने के पहले, कर्म करते समय, कर्म करने के बाद अपने मन पर कहीं आंच न आवे। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, जब आपका ध्यान मन के तरफ रहेगा तो जगत की तरफ से अपने आप विनिवृत्त हो जाता है। फिर सुख दुख संजय ही, जीवन में कोई भी चीज अकेली नहीं आती। यह जो जगत है ये द्वंद्वों से बना हुआ है, जगत में एक भी वस्तु अकेली पैदा नहीं हुई है, दोनों जुड़वे हैं। सुख के साथ दुख है, पाप के साथ पुण्य है, धर्म के साथ अधर्म है, अच्छा के साथ बुरा है, ये हमेशा ऐसा ही रहा है। तो करें क्या, जैसा है वैसा स्वीकार करो। हमारी कल्पना होती हमेशा अच्छा रहे, कभी नहीं हो सकता। हमेशा बुरा रहे, वो भी नहीं हो सकता। देखो ये पांच बातें करेंगे तो धीरे धीरे हमने उस असंग शस्त्र को अपने हाथ में पकड़ लिया है। फिर दृढ़े न, जितनी दृढ़ता आएगी उतना विवेक पक्का। विवेक की परिपक्वता को वैराग्य कहते हैं। जैसे पके हुए आम को, पहले जो आम पका नहीं उसको कैरी कहते हैं, पकी हुई कैरी को आम कहते हैं। कैरी जो है वो खट्टी होगी, आम मीठा होता है। इसी प्रकार से यदि हमारा विवेक कच्चा है तो हम कड़वट रहेंगे, और यदि पका हो गया है तो मिठास आएगी। त्यागे नेकी अमृतत्व मानस। इस प्रकार से असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा भगवान ने बताया। और फिर आगे कहते हैं ये जीव क्या है, जीव की भी ऐसी कहानी बताई। ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातना। और आगे कहते हैं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ये जो कहानी बताई है ना जीव की, ये बेवकूफ़ लोगों के लिए है। ज्ञान चक्षुषा, जिनको समझ है उनको पता चलता है जीव नाम की कोई चिड़िया नहीं है, परमात्मा ही प्रकट हो रहा है। इसीलिए शब्द है जी व न, न माने नहीं, जीव नहीं है जीवन है। जीव यह जब हम व्यक्ति समझते हैं तब बंधन में आते हैं, जीव जब ये अभिव्यक्ति समझते हैं तो बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो हमने अभिव्यक्ति को व्यक्ति माना है। जैसे एक आदमी दूसरे एक औरत से शादी कर लेता है उसको पति कहते हैं। अब कोई भी बेवकूफ़ किसी भी बेवकूफ़ से शादी करे तो उसको पति कहेंगे ना, तो पति ये अभिव्यक्ति है। लेकिन हम इस अभिव्यक्ति को व्यक्ति मान लेते हैं और दुखी होते हैं। तो करें क्या, समझे जगत में एक भी पति सुखी नहीं था। राम से ले लो ना, तुम तो यज्ञ हो राम हो, तो दुखी होने की क्या बात है। अपने व्यक्ति को मिटा करके अभिव्यक्ति में ले जाना यह अध्यात्म है। ये होने के पश्चात भगवान बताते हैं कि हम कहाँ हैं, फिर कहाँ ढूंढे उसको। भगवान को बताते सूर्य से शुरू करो, दूर है लेकिन वो बहुत दूर है। चंद्रमा में वो भी दूर है, अग्नि तुम्हारे लाइटर में है ना लेकिन वो जलाता है, पृथ्वी में। फिर भगवान आ जाते हैं हृदय में। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। और इसीलिए वेदेश सर्वै अहम एव विद्या। अब यहाँ पूरा निचोड़ बता दिया भगवान ने। तो वेद्य जानने योग्य क्या है, ये मैं। अभी ये मैं कौन है, यस्मात् क्षरमति तो हम अक्षराद विजोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रसिद्धा पुरुषोत्तम। ये पुरुषोत्तम मैं है। इस पुरुषोत्तम को मैं के रूप में पहचानना, एतर बुद्ध्वा बुद्धिमान चात्कृतकृत्यश्च भारत। इसको समझ करके पहचान करके आत्मरूप से जीवन में कृतकृत्यता आती है।
कृतकृत्यता का तात्पर्य है नाउ देर आर नो लूज एंड्स, अब जगत में कुछ भी अधूरा नहीं रहा, जीवन में परिपूर्णता आ गई। महाराष्ट्र के शब्द ना उद्धो का लेना ना माधो को देना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।